और अब बात उत्तर प्रदेश में अखिलेश वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य की जुबानी जंग की। जवाब दे सकते हैं कि 2 करोड़ की जमीन इतने करोड़ में बिक गई हो? उनको यह सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर, तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई? कोरोना के समय पर कितना भ्रष्टाचार हुआ, एक एक सामान की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ। कहीं कोई कमी रह गई होगी तो निश्चित तौर से उसको हम लोगों ने स्वीकारा। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाएं। जैसे 14 का स्वप्न था, 17 का था, 19 का था, वैसा ही स्वप्न इनका मुंगेरीलाल का 2022 का। छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़े, जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनके साथ हम लोगों ने पहले जीता है, इस समय भी जीतेंगे। आज अखिलेश यादव ने जमकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जमीन विवाद से लेकर गठबंधन तक और सरकार के काम को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। देखिए, मंदिर को लेकर जमीन खरीद में बड़ा घोटाला किया है, ट्रस्ट के सदस्य इस्तीफा दे, ये कहना है अखिलेश यादव का। साथ ही कहा कोरोना पर फेल रही योगी सरकार। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कोरोना काल में सेवा ही बेहतरीन रही है, कुछ भी कर ले हारेंगे ही, भला कौन यूपी में अपराध और गुंडागर्दी चाहेगा। तो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा और उसका जवाब किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। बीजेपी में डर है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। जमीन खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है, ट्रस्ट के सदस्य इस्तीफा दें। कोई घोटाला नहीं हुआ है अखिलेश, ये बताएं। ये साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कोरोना काल में सेवा की बेहतरीन कोशिश की गई है, कोई कमी रही होगी तो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश की जनता ने यह मान लिया कि वहां मंदिर निर्माण होना है, रामलला का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। और वहीं से ऐसी खबरें अगर आए कि जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो कम से कम जिन पे आरोप लगे हैं, जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अगर कोई काम हो रहा हो और प्रश्न उन्हीं पे लग रहा हो जो ट्रस्ट के लोग हैं जिन्हें संभालना है सब कुछ, तो जब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर, तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं कि 2 करोड़ की जमीन इतने करोड़ में बिक गई हो, केवल कुछ सेकंड में इतने पैसे बढ़ जाएं किसी जमीन को? क्या मुख्यमंत्री जी के पास इसका जवाब है? पहले श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस बात का जवाब दे कि अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई, अयोध्या में राम भक्तों के खून से होली क्यों खेली, और उनको यह सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। और घोटाला शब्द, मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि किसी भी चैनल के माध्यम से घोटाला शब्द का प्रयोग करना यह अनुचित है। कोई घोटाला नहीं हुआ है, देश के राम भक्तों का भरोसा और विश्वास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रति था, है और आगे भी रहेगा। और जो राम भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की या घटिया राजनीति करने की कोशिश, चाहे सपा या अन्य कोई भी दल कर रहा है, उसको निश्चित तौर से जवाब राम भक्त देंगे। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय यह है कि छोटे दलों को शामिल कर लिया जाए। समाजवादी पार्टी आने वाले समय के चुनाव में जो होने जा रहे हैं, छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। कौन कौन? जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले से जयंत जी के साथ है, आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है, इसी तरह महान दल के साथ समाजवादी पार्टी है, एक चौहान समाज का एक दल है, संजय चौहान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो इसी तरह छोटे दलों को एक्टिव रहना चाहते हैं, एक्टिव रहे। अंतर्गत जनता ये तय करेगी आखिरकार उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर कौन ले जाए। 2014 में अखिलेश यादव जी की अगुवाई में जब चुनाव हुआ था, उस समय पूरी तरह से हरा चुके हम 73 सांसद उत्तर प्रदेश से भाजपा के जीत करके गए थे। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस के साथ ये गठबंधन करके लड़े थे, बुरी तरह से इनको हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2019 में इन्होंने
बसपा के साथ गठबंधन किया और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरा करके विजय प्राप्त करने का काम किया है। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। और यह जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने श्री अखिलेश यादव जी देख रहे हैं, देखने को उनको पूरा अधिकार है, सपने देखते रहे, लेकिन जब नींद खुलेगी तो उनके लगेगा कि चुनाव का परिणाम आया तो चारों खाने चित में। अच्छा काम यही नजर आ रहा है कि 4.5 साल खत्म हो गए, आखिरी के 6 महीने बचे हैं और अच्छे दिन के इंतजार करते हुए जनता नहीं अच्छे दिन मिले उन्हें, लेकिन अब वो दिन मिलने वाला है जनता को जब उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर कैसे ले जाएं। समाजवादियों ने जो सड़कें बनाई, समाजवादियों ने जो योजनाएं बनाई, समाजवादियों ने जो फैसले किए थे, आज उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई नया योजना लागू की हो तो बताओ। इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इन्होंने कहा कि हम लैपटॉप देंगे, क्या लैपटॉप दिया सरकार ने? क्या डेटा देने की बात की थी, क्या डेटा दिया? रोजगार देने और नौकरी देने की बात की थी, क्या नौकरी दी सरकार ने? अखिलेश यादव जी होते तो क्या हाल होता इसका अंदाजा यहाँ प्रदेश की जनता समझती है। सेवा का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया गया, कहीं कोई कमी रह गई होगी तो निश्चित तौर से उसको हम लोगों ने स्वीकारा और उसको दूर करने का प्रयास किया, अच्छा से अच्छा मतलब लोगों के बीच में कर सके, इसका हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से सभी स्तर से प्रयास हुआ है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी चूंकि बेचैन है, उनको सवाल जिन पर उठाते हैं, जो स्वयं सवाल के घेरे में है, वो सवाल उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियां हैं, कानून व्यवस्था बर्बाद कर दी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, इतने बड़े पैमाने पे बेईमानी कभी नहीं देखी गई होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखी गई, पूरा विकास ठप हो गया। और हाल में जो कोविड का समय था कि लोग अपनी तकलीफों में परेशानी में खुद सिलेंडर ढूंढ रहे, अस्पताल में बेड नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, और जो जरूरत की चीजें भी थी, ऑक्सीमीटर जैसी चीजों पर कितना बड़े पैमाने पर ब्लैक हुआ, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन थे वो अधिकारी बांट रहे थे, ऑक्सीजन अधिकारी बांट रहे थे। अगर अधिकारी बांटेंगे, सरकार बांटेगी तो अस्पताल क्या करेंगे? श्री अखिलेश यादव जी होते तो क्या हाल होता इसका अंदाजा यहाँ प्रदेश की जनता समझती है। सेवा का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया गया, कहीं कोई कमी रह गई होगी तो निश्चित तौर से उसको हम लोगों ने स्वीकारा और उसको दूर करने का प्रयास किया, अच्छा से अच्छा मतलब लोगों के बीच में कर सके, इसका हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से सभी स्तर से प्रयास हुआ। अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं कि सुनने में आ रहा है कि उनको प्रचार करने नहीं दिया जाएगा। किनको? प्रधानमंत्री जी को कहा है कि उनके नाम से चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, अखबारों में पढ़ने को मौका मिल रहा है। तो किसके नाम से लड़ा जाएगा? लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश ने हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को देखा है और बाबा मुख्यमंत्री जी ने केवल समय काटा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल केवल समय काटा है। आखिरकार कौन सा बड़ा काम किया है? मोदी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी तो सर्व पूरे देश के नेता हैं। जब भी कहीं चुनाव होता है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के दृष्टि से पार्टी अलग अलग प्रदेशों में उनके प्रचार की दृष्टि से कार्यक्रम करती है, उसका लाभ पार्टी को मिलता है। एक बार फिर मोदी के नाम से यूपी में बीजेपी उतरेगी? भारतीय जनता पार्टी का इस समय पूरा जो एक सामूहिक बहुत बड़ा बल है, उस बल के सहारे उतरेंगे और माननीय हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्देश देगा उसके हिसाब से काम करेंगे।